न संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश माह 2023 के ये चुनावी महादंगल अपने अंजाम की ओर जा रहा है, लेकिन अपना पंचम का आज एक बेहद बड़ी विश्लेषण के रिपोर्ट लेके आए हैं कि मध्य प्रदेश के कौने कौने सीटन में भाजपा कांग्रेस की सीधी लड़ाई है और का है यह मध्य प्रदेश के चुनावी गणित केकर बनी सरकार पूरी खबर जानी है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल पघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पर पंचक बताया दी मध्य प्रदेश में 230 सीटन पर मतदान हो चुका है। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही है, जबकि कांग्रेस के नेता कमलनाथ लगातार बीजेपी के सरकार का चुनौती दे रहे हैं। मतदान से यह तय हो गया है कि अगले 5 साल खातिर राज्य के जनता फिर से केकर राज्य के सत्ता के चाभी जो है सौंपती। अपना चक बता दी मध्य प्रदेश में जो 230 सीटन पर शुक्रवार का मतदान भा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बीजेपी सरकार का कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस जोरदार चुनौती दे रही है। बीजेपी के द्वारा अपन कुर्सी बचावे खातिर पूरी ताकत झोंक दी गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी के CM योगी सहित बीजेपी के नेतन के द्वारा 600 से अधिक रैली कीन गए, तो कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी का चुनावी मैदान में उतारा है। मतदान में उम्मीदवारन के भाग्य के फैसला हो चुका है। आज और मतदान से यह तय हो गया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के फिर से वापसी हुई या कांग्रेस के राज हुई। 230 सीटन वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत के जादू आंकड़ा 116 है। कुछ ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पिछली बे के तरह यह बे कोनो पार्टी या आंकड़ा का छू नहीं रही है। ऐसा मां छोट स्वतंत्र दलन के विधायकन की भूमिका निर्णायक हो सका थी। जनमत सर्वेक्षण या सर्वेक्षण अक्सर जो है वास्तविकता से मेल नहीं खाए, लेकिन मेल के मिसालों कम नहीं आया। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 114 सीट, बीजेपी 109, BSP 2, निर्दलीय और अन्य के द्वारा 5 सीट जीती गई। अंततः कांग्रेस के द्वारा बसपा और निर्दलीय के समर्थन से सरकार बनाई गई। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन मार्च 2020 में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 कांग्रेस के विधायकन के द्वारा विद्रोह से भाजपा के द्वारा सरकार बन गई। चौथी बे शिवराज सिंह चौहान राज्य के CM बने रहे। अपना बजट बताया दी कि 230 सीटन में का है चुनावी गणित, तो फिर से चुनाव सामने है और राज्य के 230 सीटन पर 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके किस्मत के फैसला अब EVM मशीनन में कैद हो गया है। बीजेपी का सत्ता बचावे की चुनौती है, तो कांग्रेस मां सत्ता मां वापस लौटे चाहती, जबकि बसपा और सपा जैसा दल तीसर ताकत बने की जुगत में लगे हैं। सीटन का लेके इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मां तकरार के बाद सामने आई है और हर दल आपन पकड़ बनावे का बेताब है। मध्य प्रदेश विधानसभा के कुल 230 सीट मालवा, निवाड़, बुंदेलखंड, विंध्य, चंबल, ग्वालियर, महाकौशल और मध्य क्षेत्र में बटी है। कौन इलाके में बीजेपी तो कौन में कांग्रेस के दबदबा है, तो कहों पर दोनों पार्टी के बीच कांटे के टक्कर दिखा लगी। वहीं त्रिकोणी तो कहो चतुष्कोणी मुकाबला में बाकी खेल बिगड़ रहे हैं। बीजेपी का आशा है PM मोदी का चेहरा एवं CM शिवराज के लाडली बहना योजना उनका फिर सत्ता दिवा सकती। दूसरे ओर कांग्रेस का सत्ता विरोधी रुझान पर भरोसा है। बागी अपन जाल बिछा चुके हैं, अब अपना का बताई थी कि 6 भौगोलिक क्षेत्र में बटे मध्य प्रदेश कौने इलाका में केकर पलड़ा भारी है। मध्य प्रदेश के
मध्य क्षेत्र भोपाल नर्मदापुरम संभाग, जहां कुल विधानसभा सीट 36 है और यह इलाका बीजेपी के गढ़ रहा है। राजगढ़, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल जिला यह क्षेत्र महाबत है। यह इलाका सीएम शिवराज सिंह चौहान के इलाका माना जाता है और यह इलाका में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 13 और बीजेपी का 23 सीट मिली रही। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र कुल विधानसभा सीट की संख्या 38 है। सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, डिंडोरी, बालाघाट महाकौशल क्षेत्र महाबत है। जबलपुर में 10 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जबकि 6 पर त्रिकोणीय स्थिति बताई जा रही है। यह बीते द्विबेर से कांग्रेस के दबदबा रहा है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा 24 और बीजेपी के द्वारा 13 सीटन पर जीत हासिल की गई रही। यह भी कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर जो है मानी जा रही है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हो के कारण यह भी बसपा एवं गोडवाना पार्टी के गठबंधन से त्रिकोणीय मुकाबला के आसार है। आदिवासी समाज के मांग यह मुख्य मुद्दा है। महाकौशल क्षेत्र में कमलनाथ की परीक्षा है, काहे कि उनका गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा यह इलाके में आबद है। यह क्षेत्र में कांग्रेस के द्वारा पूरा फोकस किया है। कमलनाथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री पदों के चेहरा है। अब अगली जो खंड है, भाग है, मध्य प्रदेश के मालवा निवाड़ क्षेत्र में कुल विधानसभा सीट 66 है। यह इलाका में बीजेपी एवं कांग्रेस का कुल सीटन पर बीएसपी और सपा से कड़ी टक्कर मिल सका थी। एक ऐसे जो है यह इलाका में त्रिकोणीय मुकाबला हो सका थे। जाति समीकरण से यह खेला हो सका थे। यह इलाके के 66 सीट पूरे चुनाव के गणित और समीकरण का बिगाड़ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जौनो पार्टी यह इलाका में जीते के कामयाब रही, सत्ता ओहिन के कब्जे में रही। यह इलाका से बीजेपी के ओर से कैलाश विजय वर्गीय जो है चुनावी मैदान में है। आदिवासी एवं ओबीसी बाहुल यह इलाका में कई एक सीट पर बीजेपी का कड़ी चुनौती मिल रही है। कुछ सीटन पर बागिन के द्वारा टेंशन बढ़ा दी गई। अब अगला जो है बात है मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल विधानसभा क्षेत्र कुल विधानसभा सीटन की संख्या 34 है। ग्वालियर चंबल विधानसभा इलाका में कुल 25 सीटन पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। वहीं 9 सीटन पर त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना है। यह क्षेत्र में बीजेपी के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के तथा कांग्रेस के दिग्विजय सिंह एवं गोविंद सिंह जैसा नेतन के साख दांव में लगी है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस के बगावत के बाद जो उन्हें 16 विधायकों के द्वारा पाला बदला गया रहा, वो यह इलाका के रहे और यह कारण से कांग्रेस के कमलनाथ की सरकार गिर गई। अब अगला जो है बुंदेलखंड विंध्य कुल विधानसभा सीटन की संख्या होगी 56। उत्तर प्रदेश के सीमा सटे या इलाका के 56 सीटन में करीब एक दर्जन सीटन पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। यहाँ बुंदेलखंड में 30 सीटन में तो विंध्य क्षेत्र में 26 सीट है। वो अपना बच्चे को बता दी कि यह तरह दोनों क्षेत्र में कुल 56 सीट होती है। यह इलाका ब्राह्मण प्रभाव वाला माना जाता है। यहाँ बुंदेलखंड दलित ओबीसी जाति जो है खेल बनावे और बिगाड़े की ताकत रखती है। कांग्रेस एवं बीजेपी के बीच यह भी सीधा मुकाबला माना जा रहा है। यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान की इलाका कहा जाता है। बुधनी विधानसभा सीट यह इलाका से आबा थी। प्रदेश पिछले चुनाव में 2018 में बीजेपी का सबसे ज्यादा सीट यहीं से आई रही। तब विंध्य से कांग्रेस के सफाया हो गया। तो यह जो हाल है या 6 भागन के मध्य प्रदेश का जो 6 भागन में बांटा जाता है, वो 6 भागन के हाल है। जहां कहो त्रिकोणी संघर्ष की बात हो रही है तो कहो चतुष्कोणी संघर्ष की बात हो रही है। और अधिकतर सीटन में कमोवेश स्थिति यह है कि भाजपा कांग्रेस के सीधी लड़ाई है। हालांकि मध्य प्रदेश के यह सियासी गणित लगातार जो है सियासत का समझे वाले और राजनीतिक विश्लेषक लगाए जरूर रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि इंद्र की कुछ बड़ा होने वाला है। मतदाता के द्वारा खुल के मतदान करब, जो मतदान प्रतिशत 60-65-68 हो रहा वह 70 पार भा है। तो निश्चित तौर पर मतदाता के उत्साह बढ़ा है। नव मतदाता एमा जुड़े हैं, लाडली बहना एमा बड़ा कहा जाए उत्साह से यह मतदान करी नहीं। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि माहौल कुछ बदला है। हालांकि यह माहौल किके पक्ष में हुई यह तो आबे वाला वक्त बताई कहे कि
जब नागदूर के हसिया 3 दिसंबर का या मतगणना हुई और यह मतगणना तय करी कि आखिर मध्य प्रदेश के नया भाग्य विधाता को हुई का भाजपा रही जाए या फिर कांग्रेस के रूप में एक नया जो उसे कहा जाए नई और स्थायी सरकार मिल सका थी यथा अब बहुत जल्द आम जनता के सामने हुई। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।